ने एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर अहम कदम उठाया है। सरकार ने इस संबंध में एक समिति का गठन किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर ये एक देश एक चुनाव क्या है और इसके फायदे क्या हैं और इसे लागू करने में क्या चुनौतियाँ सामने आएंगी। एक देश एक चुनाव क्या है? दरअसल एक देश एक चुनाव एक प्रस्ताव है जिसमें लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने का सुझाव दिया गया है। क्या फायदा होगा? दिसंबर 2018 में विधि आयोग ने वन नेशन वन इलेक्शन पर एक रिपोर्ट पेश की थी। इसमें बताया था कि अगर देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराए जाते हैं तो इससे करोड़ों रुपए बचाए जा सकते हैं। 2018 में लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट आई थी। इसमें कहा गया था कि अगर 2019 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ होते हैं तो उससे 4,500 करोड़ रुपए का खर्च बढ़ेगा। ये खर्चा इसलिए क्योंकि ईवीएम ज्यादा लगानी पड़ेगी। रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि साथ चुनाव कराने का सिलसिला आगे बढ़ता है तो 2024 में 1751 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, यानी धीरे धीरे ये एक्स्ट्रा खर्च भी कम होता जाएगा। क्या है चुनौतियाँ? एक साथ चुनाव कराने के कई चुनौतियाँ भी हैं। इसके लिए राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को लोकसभा के साथ जोड़ने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी। इसके अलावा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के साथ साथ अन्य संसदीय प्रक्रियाओं में भी संशोधन करने की आवश्यकता होगी। 1999 में विधि आयोग ने भी अपनी एक रिपोर्ट में इसका समर्थन किया था। अगस्त 2018 में एक देश एक चुनाव पर लॉ कमीशन की रिपोर्ट भी आई थी। लॉ कमीशन की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि देश में दो फेज में चुनाव कराए जा सकते हैं। विधि आयोग ने कहा था कि एक साथ चुनाव कराने के लिए कम से कम 5 संवैधानिक सिफारिशों की आवश्यकता होगी। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 और 356 में संशोधन करना होगा। इसके अलावा क्षेत्रीय दलों का डर है कि राष्ट्रीय दलों के साथ प्रतिस्पर्धा उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी।